हेलो गाइस, वेलकम टू योर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपने लिए घर बनाया था जिसमें मैं सेफली रह पाऊँ और मेरा सामान भी सेफ रहे। और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तब रात होने वाली थी। तो आज की इस वाली वीडियो में हम एक आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि हमारे घर के पीछे हमें मिल गया था। तो मैं आज उस आइलैंड पर जाने वाला हूँ। उस वहाँ से बहुत सारा सामान मिलेगा और वहाँ से कुछ हमें इम्पोर्टेंट सामान भी मिल सकता है जिससे हमें सर्वाइव करने में हेल्प होगी। तो सबसे पहले उससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे काम निपटाने होंगे, जैसे कि ट्री काटना है जिससे मुझे और ज़्यादा वुड मिले, और ये वीट काटना जिससे मैं और सीड ग्रो कर पाऊँ, मेरे पास खाने की कमी ना हो। तो सबसे पहले इस ट्री को काट लेते हैं जिससे हमें वुड मिलने वाली है। तो गाइज, मैंने सभी ट्री को कट कर दिया है। यहाँ से बहुत सारे मुझे सैपलिंग मिलना स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पे स्टिक्स गिर चुकी हैं, कुछ और सैपलिंग भी अपने को मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर ये और ज़्यादा मैं ट्री ग्रो कर देता हूँ जिससे मुझे लकड़ी की कमी ना हो। तो यहाँ पर भी मैं एक लगा देता हूँ ट्री, और पहले जहाँ पर लगा था वहाँ पर भी लगा देता हूँ, वो भी सैपलिंग उठा लेता हूँ। और ये कुछ बची हुई सैपलिंग अपनी चेस्ट में रख देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ से मैंने जिससे लॉग मिले थे उससे प्लैंक भी कन्वर्ट कर लिया है। जल्दी से इसे भी काट लेते हैं जिससे कि और सीड में ग्रो कर पाऊँ। गाइस, मैंने सभी सीड को ग्रो कर दिया है और ट्री भी हमारे झड़ने लगे हैं जिससे हमें सैपलिंग मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट अपना सामान है वो सभी सबसे पहले रख देता हूँ। ये सैपलिंग रख देता हूँ, ये वीट भी रखवा देता हूँ। और थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है, वेदर खराब हो चुका है, अपना भी रेन होने लगी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मुझे जो सभी मैंने अपना छोटा मोटा काम निपटा दिया है, तो अब हमें सबसे पहले उस एक्सप्लोर करने जाना होगा वो आइसलैंड, क्योंकि वहाँ से अपने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान मिलने वाला है। तो उस आइसलैंड पर सबसे पहले जाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सबसे पहले लेता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे वहाँ तक जाना है तो ब्रिज बना के जाना होगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे। ब्लॉक के नाम पर मेरे पास मैं वुड नहीं लगाने वाला हूँ, कोबलस्टोन लगाने वाला हूँ। तो मेरे पास कोबलस्टोन के 24 स्लैब हैं, तो इतने से काम नहीं बनेगा, तो मुझे और ज़्यादा स्लैब बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं वहाँ से कोबलस्टोन इकट्ठा करने वाला हूँ। तो गाइस, यार रात हो चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके हैं और अभी तक बारिश हो रही है। यहाँ से मुझे स्टिंग भी मिल चुकी है। हाँ, मुझे अभी एक आइडिया आया कि मैं इसमें भी एक स्पाइडर घुस चुकी है। तो अभी मुझे आइडिया आया कि मैं स्पाइडर से जो स्ट्रिंग मिलती है उससे भी बेड बना सकता हूँ अपने के लिए। तो अपने घर में एक स्पाइडर घुस चुकी है, जल्दी से इस अपने घर में जाते हैं और इसे मारते हैं जिससे कि हमें ये ना मार दे। तो मुझे मत मार देना, मुझे मरना नहीं है, मैं कहाँ हो जाऊँ, जल्दी हट अबे हटा इस मेंट्री के फिर। तो गाइस, मैंने जॉम्बीज को तो मार दिया, अपने गेट को जल्दी से बंद करते हैं, यहाँ पर दिन होने का ही इंतजार। फाइनली मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर वेदर भी पूरा क्लियर हो चुका है। तो मैंने वहाँ से बहुत सारे कोबलस्टोन इकट्ठे कर लिए थे, इतने सारे काफ़ी होंगे वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि वो आइसलैंड ज़्यादा दूर है नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन कोबलस्टोन के स्लैब बना लेता हूँ, मैं स्लैब बनाने वाला हूँ जिससे कम से कम अपने स्टोन यूज़ हो। तो यहाँ पर जितने बन सकते हैं उतने स्लैब बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे पास 60 स्लैब आ चुके हैं और जल्दी से अब चलते हैं अपने आइसलैंड को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पर अपना आइसलैंड देखने चलते हैं। तो यहाँ पर इतनी दूर अपना आइसलैंड है, ये पूरा सैंड का बना हुआ है, लगता है सैंड वाला है। तो जल्दी से अपनी ब्रिजिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ स्लैब लगा देता हूँ जैसा कि ब्रिजिंग के लिए होता है। मैं अभी एक एक ब्लॉक का ही बना लेता हूँ, ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, वैसे अगर डबल का बनाऊंगा तो पहुँच जाऊँगा शायद से। तो जल्दी से पहले एक एक ही ब्लॉक का बनाते हैं और चलते हैं वहाँ आइसलैंड पर। तो फाइनली गाइस, ब्रिजिंग करते करते मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और मैं अपने आइसलैंड पर पहुँच ही गया हूँ। तो जल्दी से इतना भी ब्रिज करते हैं और जल्दी से अपने आइसलैंड पर कदम रखते हैं और देखते हैं इस चेस्ट में क्या होने वाला है अपने लिए। एक और स्लैब लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा रेत का बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा सैंड और सैंड स्टोन का है। नीचे दिखाऊँ मैं आपको, दूर से मैंने देखा था तो यहाँ पर कुछ सैंड स्टोन भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जल्दी से अपनी चेस्ट में देखते हैं क्या मिलने वाला है अपने को। यहाँ से कैक्टस तोड़ देंगे जिससे अपने को कोई हानि ना हो, यहाँ से जल्दी से तोड़ देते हैं। मैंने कैक्टस तोड़ दिया है, तो जल्दी से अपनी चेस्ट खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस, यार यहाँ पर हमें 10 ऑब्सीडियन मिल चुका है जिससे मैं नेदर में जा सकता हूँ। और यहाँ पर एक फ्लिंट एंड स्टील है और कुछ ज़्यादा, हाँ बस एक स्ट्रिंग काम आएंगी मेरे बेड बनाने के लिए। तो यहाँ पर अच्छी खासी मुझे स्ट्रिंग मिल चुकी हैं और यहाँ से कैक्टस क्या ही उठाऊँ मैं। तो यहाँ पर से स्टिंग कलेक्ट कर लेता हूँ मैं और जल्दी से चलता हूँ अपने आइसलैंड। तो गाइस, मैं फाइनली अपने घर पर आ चुका हूँ और यहाँ वहाँ से मैं उस चेस्ट को भी कलेक्ट कर लाया था जिससे कि मुझे बनानी ना पड़े, मेरी बॉडी भी बच जाए। यहाँ पर एक बड़ी चेस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं जितना भी सामान मिला था मुझे वो इसमें रख देता हूँ। यहाँ पर 10 ऑक्सीडन मिले थे, एक लिंटन स्टील मिला और मेरे पास कुल 10 स्ट्रिंग्स हो चुकी हैं जिससे मैं और ज़्यादा, मतलब अब एक बेड बना पाऊँगा जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसे जल्दी से अपने लिए एक बेड बना लेते हैं जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इस के लिए। तो जल्दी से यहाँ प्लेस कर देते हैं अपने बेड को। तो यहाँ पर अपना अब रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, तो अब मेरा बेड बन चुका है और मेरी फर्स्ट नाइट अब बेड के साथ जाने वाली है। तो गाइस, यार सभी काम करते करते कोबलस्टोन माइन करते करते वो ट्री उग गया था, वो भी काट लिया है मैंने। तो यहाँ पर
सनसेट हो चुका है और यहाँ पर अपनी नाइट होने वाली है। फाइनली अपनों ने बेड बना लिया और बेड की अचीवमेंट अपनी खुल। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने अपने घर के पीछे जो आइसलैंड था उसे पूरा एक्सप्लोर किया और वहाँ पर जितना भी मुझको सामान मिला था, जितना भी इम्पोर्टेंट सामान था, मैंने सभी अपने हाउस में लाकर शिफ्ट कर दिया है और सभी सामान इम्पोर्टेंट रख दिया है मैंने हाउस में, और सभी मेरा जितना भी सामान था और सभी मैंने हाउस में शिफ्ट कर दिया है। और मैंने आज मेरा अपना बेड भी बना लिया जिस पर मैं रात हो जाए तो रात में अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, अब मैं रात में सो सक। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ऐसे ही अमेजिंग गेमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।